क्या आप भी टैक्सी के बिजनेस में आना चाहते हो? क्या आपको भी कमाने हैं महीने के लाखों रुपए? क्या आप भी करना चाहते हो खुद का बिजनेस? क्या आप भी अपना नया सेटअप लगाने के सोच रहे हैं? क्या आप भी अपना नया सेटअप लगाने की सोच रहे हैं? इतने सारे आपके दिमाग में सवाल उपज रहे हैं, मगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि डिसाइड ना करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, क्योंकि आपको अभी तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि टैक्सी के बिजनेस में अगर जाना है तो जाने का सही मार्ग क्या है, कहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आप कैसे किसी सपोज दैट आप 15-20 हज़ार की नौकरी सोच कर रहे हैं, तो नौकरी जो आप कर रहे हैं वो जो आपकी एक ठोस अर्निंग है आपकी जॉब, जब भी व्यक्ति कुछ करने की सोचता है, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है या अपना काम धंधा करने के बारे में सोचता है, तो बड़े सारे उसके माइंड में बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं। टैक्सी के बिजनेस में आने के लिए आपको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलेगी, चाहे टैक्सी का बिजनेस हो चाहे कोई और बिजनेस हो, जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में डर और झिझक हमेशा से बना रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल GS मॉडल पर आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैक्सी के बिजनेस में किस तरह से आप महीने के लाखों रुपये तक कमा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन कंपनियों से आप कितने पैसे बना सकते हैं, और कितनी मेहनत इस काम में आपको लगने वाली है, कितना टाइम आपको इस काम में देना पड़ेगा, हर एक चीज़ से आपको आज रूबरू कराऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको ब्रीफली से बताने वाला हूं। मेरे दिए गए नीचे नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस लाइन में हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं आज बड़ी ब्रीफली से बताने वाला हूं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काम को चालू करते हैं। अगर आप 10-15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन ये है कि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप 10-15-20 हज़ार से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस, किताबें, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो 15-20 हज़ार से आपका खर्चा नहीं चलने वाला है। अगर बाजार जाते हैं तो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर आप 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आप थोड़ी ज़्यादा अर्निंग करें। थोड़ी ज़्यादा अर्निंग होगी तो घर के खर्चे बड़े आराम से निकलेंगे, आप अपने आपको टाइम दे पाओगे, फैमिली को समय दे पाओगे। ये सारी चीज़ें जब ही हो पाएंगी जब आपकी अर्निंग ठीक होगी, आपकी अर्निंग सॉलिड होगी। जब आपकी अर्निंग सॉलिड होगी तो आप में मजबूती आएगी, तो जैसे कि आज आप खुद काम कर रहे हैं, आपने सपोज करो एक गाड़ी से बिजनेस स्टार्ट किया, आपको ठीक ठाक लगेगा, तो आप एक से दो गाड़ी भी बना लोगे, दो से तीन गाड़ी भी बना लोगे। मगर ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर आप समझ पाओगे टैक्सी के बिजनेस में काम किस तरह से, किस एंगल से करना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो टैक्सी का जो बिजनेस है, जो टैक्सी की लाइन है, वो थोड़ा मेहनत का काम है, जो मेरे भाई 12 से 14 घंटे की मेहनत कर सकते हैं। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आपको फावड़ा लेके खेत जोतना है, ये आपको तसला लेके काम करना है, ये 12 से 14 घंटे की सिटिंग का काम है, आंखें खुली रहती हैं इस काम में और आप मेंटली और फिजिकली काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना, टैक्सी का जो काम है वो 12 से 14 घंटे की सिटिंग का काम होता है। सिटिंग में भी आपको थकावट होती है, आपके हाथ भी चलते हैं, आपका पैर भी चलता है, आपका घुटना भी मुड़ता है, तो इनसे बॉडी में थकावट आती है। 10 से 12 घंटे जो बंदे मेहनत कर सकते हैं वो 2000 से लेके 2500 रुपये की अर्निंग उनकी होने वाली है, 2000 से लेके 2500 की अर्निंग। ये केवल मैं अर्निंग बता रहा हूँ, सारे खर्चे निकाल के आप आराम से कमा सकते हैं। अब कमा कैसे सकते हैं, कमाने के जो जरिए हैं, आप ओला, उबर, मेरू, इनड्राइव, रैपिडो, इन कंपनियों में अपनी गाड़ी अटैच कर सकते हैं, ये हमारे द्वारा है, हम गाड़ियों इन सभी कंपनियों के हम ऑथराइज वेंडर हैं,
आप हमारे द्वारा भी ये गाड़ी अपनी ओला उबर में लगवा सकते हैं। साथ के साथ इनके अलावा जो दूसरा काम होता है वो होता है पिकअप एंड ड्रॉप का काम, पिकअप एंड ड्रॉप का काम, जिसको कि हम लोग MLC कंपनी के नाम से संबोधित करते हैं। आपकी गाड़ी अगर आप चाहें तो MLC कंपनी में भी अटैच कर सकते हैं। वहाँ पे भी 12 से 14 घंटे की फिक्स ड्यूटी होती है, जहाँ पर कि आपको 9 रुपये से लेके 10 रुपये पर किलोमीटर आपको वहाँ मिलता है, और जिसमें आपकी पर डे की जो गाड़ी की रनिंग होती है वो 250 से लेके 300 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी की रनिंग रहती है। अगर आपको 10 रुपये पर किलोमीटर में अगर आपकी गाड़ी कहीं लगती है, आपने 300 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी चलाई, तो उसके हिसाब से आपके 3,000 रुपये पर डे का काम हो गया। अब इसमें से आप CNG अलग कर लेते हैं, 1,000 रुपये का आपने खर्चा अलग कर लिया, तो भी आपने 2,000 रुपये पर डे कमाए। 2,000 × 60 करते हैं, 2,000 × 30 करते हैं, तो आपकी अर्निंग जो हो जाती है 60,000 रुपये पर महीने की आपकी अर्निंग हो जाती है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में या किस्त में अपनी गाड़ी ली है तो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपकी गाड़ी की किस्त रहती है। 15,000 अगर आपने 60,000 में से मांगा तब भी आपकी सूखी गाड़ी इनकम जो होने वाली है वो 45,000 रुपये महीने की होने वाली है। जहां आप 15 से 20,000 रुपये कमा रहे थे, अब आप सारे खर्चे निकाल के 45,000 रुपये महीने कमाने वाले हैं, और 2 से 3 साल में आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। 3 साल के अंदर अंदर गाड़ी भी आपकी उसी इनकम से गाड़ी भी आपकी बन जाएगी। 3 साल में आपने अगर कोई प्राइवेट या आपने कोई पुरानी गाड़ी ली, सपोज 5 लाख की आपने गाड़ी ली, तो 3 लाख में 3 साल के अंदर अंदर वो गाड़ी भी आपकी हो जाएगी। 5 लाख रुपये की आपकी वो सेविंग होगी, आपने गाड़ी भी चलाई। 3 साल अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो भी 50% गाड़ी की कीमत आपको मिलने वाली है। 2.5 लाख की तो आपकी गाड़ी हो गई, 45,000 रुपये महीने आपको सूखे बचने वाले हैं। अगर आपका 15 से 20,000 पहले घर का खर्चा चल रहा था, अब वही आपको 20 से 25,000 की सूखी इनकम होने वाली है। इसको अगर आप इकट्ठा करते हैं, साल 2 साल तक की सेविंग करते हैं, तो आप फिर एक दूसरी गाड़ी भी बना सकते हैं। ये है बिजनेस का काम। अब अर्निंग कैसे होने वाली है? ओला उबर आपको 24 आवर्स ट्रिप देते हैं। हर ट्रिप आपकी 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये तक की पर डे की आपको पर ट्रिप मिलने वाली है। आप 12 घंटे काम करते हैं, सपोज आपने 8 या 10 ट्रिप भी की, कोई ट्रिप 100 की भी आएगी, कोई 500 की भी आएगी, तो ये सारा कैलकुलेशन जोड़ के आपकी शाम तक 4-4.5 हज़ार की बिलिंग हो जाती है ओला उबर के माध्यम से। इनमें से आप अपना खर्चा निकाल दो CNG का, 1,500 रुपये के आसपास खर्चा एक दिन में एक ड्राइवर का CNG वगैरह का खर्चा हो जाता है। इस खर्चे को आप अलग कर दो। सपोज दैट आपने 4,000 का भी काम किया, 4,000 में से 1,500 रुपये खर्चे निकाल दिए, तब भी आपने 2,500 रुपये सूखे कमाए ओला उबर के माध्यम से। ये तो ओला उबर का माध्यम हो गया। अगर आप इस लाइन में नए हैं, आपने अपना मन बना लिया है, तो आप इधर उधर जा किसी और की बातों में ना आके अपने मन को कमजोर ना करें। अगर आपको टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं तो आप निडर होकर अपने आप को मजबूत करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति जब एक नया स्टार्टअप लगाता है, एक नया काम स्टार्ट करता है, तो शुरू में अड़चने आती हैं, दिक्कत आती है, समस्या आती है, मगर धीरे धीरे करके आप अगर अपना मन बना लोगे, अपने आप को मजबूत कर लोगे, नहीं जी मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे थोड़ी ज़्यादा अर्निंग करनी करनी है, तभी आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। शुरू में महीने 2 महीने आपको अड़चने आएंगी, आपको दिक्कत आएगी, आपको 100 रुपये की भी ड्यूटी करनी है, आपको यार मैंने 5 लाख की गाड़ी ली है, मैं 100 रुपये की ड्यूटी उठाऊंगा, कोई कहता है यार मैं 200 रुपये का काम करूंगा, तो 200-300 रुपये इकट्ठे होकर शाम तक यही 3-4 हज़ार रुपये हो जाते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सिर्फ सेम वही थ्योरी आपके अपने जीवन पे भी लागू होती है। धीरे धीरे करके आपकी अर्निंग डे बाई डे बढ़ती जाएगी। जब आप इस लाइन में थोड़े पुराने हो जाएंगे, 1-2 साल पुराने हो जाएंगे, तो आप ने आपकी जो भी अपने फॉलोअप हैं, आपकी जो भी क्लाइंटेज है, जिनको आप ओला उबर के थ्रू छोड़ रहे हो, जिनको आप ओला उबर के थ्रू छोड़ रहे हो और MLC कंपनी में काम कर रहे हो, और आपका व्यवहार अगर ठीक है, यही क्लाइंट आपके अपने पर्सनल बन जाते हैं 1-1.5 साल के बाद। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना व्यवहार बड़ा अच्छा और ठीक रखना है, तमीज़दार झुकावदार आपको अपना व्यवहार रखना है, गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखना है, आपकी वर्दी हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गाड़ी का AC हमेशा वर्किंग होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो आपके अपने फॉलोअप बढ़ जाएंगे, आपकी अपनी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी, आपके अपने खुद के पर्सनल क्लाइंट बन जाएंगे, जो कि आपको पर्सनल फ़ोन करेंगे, आपकी गाड़ी आपको
आपके व्यवहार से आपकी रेटिंग अच्छी आएगी तो आपके व्यवहार से आपकी गाड़ी ये खुद बुक कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप साल डेढ़ साल या एक साल के बाद आपका व्यवहार ठीक है, आपने अपना फॉलोअप बना लिया, आपके अपने ग्राहक बन गए, तो इसी के थ्रू आप पे इतना काम आने वाला है कि आपको ओला उबर और एमएलसी कंपनी की फिर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये जो काम है ये व्यवहार का काम है। आप अपना नेचर अच्छा रखते हैं, आप क्लाइंटेज के थ्रू अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, आपकी अपनी क्लाइंटेज बन जाती है साल डेढ़ साल में, आपको फिर किसी भी कंपनी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपको डेली का आगरा आना जाने का भाड़ा मिल सकता है, डेली मथुरा डेली जयपुर पर डे आना जाना करते हैं क्लाइंटेज, मगर ये कब बनेगा, जब आप अपना व्यवहार ठीक रहेंगे, अपनी गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखेंगे, आपका बोलने का लहजा सही है, तो ये चीजें क्लाइंटों को पसंद आएगी, तो वो फिर और किसी की गाड़ियां नहीं बुक करेगा, वो आपको आपकी पर्सनल गाड़ी ही बुक करेगा। और मेरा आपको एक सुझाव है, आप जब भी अपनी गाड़ी नीट एंड क्लीन रखिए और आप अपने विजिटिंग कार्ड छपा के रखिए, जब भी आप सवारी को छोड़ेंगे या सवारी को बिठाएंगे उनसे आदर से नमस्ते करना है, उनको गाड़ी में बिठाना है, और छोड़ते समय आप उनसे एक फीडबैक लेना है कि सर आपको गाड़ी कैसी लगी, मेरा व्यवहार कैसा लगा, अगर आपको ठीक लगता तो ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आई हो, अगली बार अगर आपको कहीं लॉन्ग रूट पे जाना हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ये छोटी सी आपको दो या तीन लाइन बड़े प्यार से क्लाइंट को बोलनी है, क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा और आपको डेफिनेटली काम मिलने वाला है। जो भी क्लाइंट आपके अच्छे लगे आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर अपनी एक डायरी मेंटेन कर लें, डायरी में कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें कि ये क्लाइंट मुझे मिला था, उनके नाम से सेव कर लें ताकि जब भी वो आपको कॉल करे तो आपको याद आ जाए कि उन्होंने मुझे कॉल किया था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना काम भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने फॉलोअर भी बढ़ा सकते हैं। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये बेसिक सी चीज़ें ड्राइवर नहीं करते हैं, गाड़ी को नीट एंड क्लीन नहीं करते हैं, अगर गाड़ी का बम्पर निकल जाए तो उसको ठीक नहीं करवाते हैं, सीट अगर फटी हुई है तो उनको रिपेयर नहीं करवाते हैं, और गाड़ी की मेंटेन आपको हमेशा ठीक रखनी है, गाड़ी कभी भी आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गाड़ी आपकी ख़राब होगी तो कस्टमर आपकी कंप्लेन करेंगे तो आपकी रेटिंग नीचे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं क्लाइंटेज को बढ़ाने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें ठीक रखनी है। ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दिया, इनके थ्रू आप आओ ओला उबर में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी परचेज करनी हो, हमारा GS मोटर करके हमारा अपना मोतीनगर में आउटलेट है, हमारा गाड़ियों का सेल परचेज का भी काम है, और हम गाड़ियों को ओला उबर रैपिडो इनड्राइव और MLC कंपनी में लगा के भी देते हैं, तो आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का जो समय है सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर किसी कारण से हम कॉल नहीं उठाते तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जिन्होंने अपना मन बना लिया है, जो किसी वजह से रुके हुए थे, इस लाइन में नहीं आना चाह रहे थे, प्लीज़ मेरा उनसे हाथ जोड़ के मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अब अगर अपना मन बना लिया तो इस बिजनेस में आए, आके काम देखें, काम की जानकारी लें। अगर जो व्यक्ति इस काम में नए हैं, काम की समझ नहीं है, तो वो हमारे ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन कॉल करके मुझे ऑनलाइन कॉल करके भी इस काम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको भेजता रहूँगा, आपको टैक्सी के बिजनेस के बारे में रूबरू कराता रहूँगा, हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ के बारे में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि जो बंदे इस लाइन में आना चाहते हैं, जिनको इस लाइन की समझ नहीं है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे माध्यम से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और अपने आप को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं इस महंगाई के दौर में। और जो व्यक्ति अपना नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं वो इस लाइन में भी आ सकते हैं, काफ़ी सारा इस लाइन में पैसा होने वाला है, थोड़ा मेहनत का काम है, कोई भी काम करोगे तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।